भाई कैथल विधानसभा क्षेत्र में अभी फिलहाल मौजूद हूँ। यहाँ पर कांग्रेस से आदित्य सुरजेवाला और भाजपा से यहाँ पे लीलाराम जी, तो देखते हैं भाई टक्कर किस चीज़ की चल रही है। हालांकि जो सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है बराबर की टक्कर यहाँ पर कैथल के अंदर होने वाली है। ऐसे में देखते हैं यहाँ पर कुछ बुजुर्ग साथी और बैठे हुए, तो अंकल जी राम 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 जी। तो अपना सुनने में तो नुआ है सुरजेवाला कर लिया गया ये तो इनकी बहम की बात है। पता किस तरह जब हमारा कैथल में पीजीआई बनी थी नी, पीजीआई बनी थी कांग्रेस का राज था और जद्दर लेगी था, समझे? ये बीजेपी का राज है, ये कॉलेज इधर बन गया। हमारा जो मेडिकल कॉलेज बने है शांपली खेड़ी में, ये इधर बन गया। अगर कांग्रेस का राज होता तो ये मेडिकल कॉलेज भी बाहर जाता, तो इसीलिए बीजेपी भर के तो काम इस एरिया के काम करेगा, कांग्रेस ने कौन करेगा? बाईपास सारे कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी ने बनाई जितने बाईपास बनाए हैं। जब बाईपास बनने के बाद हमारी जमीनों की वैल्यू बढ़ी, हमारी वैल्यू बढ़ी, सुविधा मिली हमारे को बसों में जाने की आने की। कांग्रेस का पास तो माना कराए थे बाईपास, पास कराए थे, बनाए तो बीजेपी ने है। गांव टू गांव बीजेपी ने सड़क मिलाई है। इसने कांग्रेस ने हमारा एक टुकड़ा है ड्योड़ खेड़ी से नर्ड, कदे कांग्रेस ने वो टुकड़ा नहीं बनाया है, वो बीजेपी ने बनाया। जब भी बना अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये बनाया है। तो क्या मन होता है बीजेपी काट लेगा टक्कर टुकर भी मानो ना? बीजेपी की सीट है ये तो गारंटी। कितना मार्जिन मानो ये तो? मतलब जमियों डुब्बागा जब 20-25 हजार वोट तो लीला जी। अच्छा अच्छा, मतलब लोग नाराज हो रहे सुझा बड़ा था। हाँ तो सही बात है कि नहीं? हाँ भाई सही लग रहा है, शहर में रहा हम तो अम्मा मंगा उसको दा सही कहा था। मैं इसकी मानो तरह प्रधान आयो है। हाँ प्रधान है। हाँ जी तारा क्या कह रहा है? कह दिया बीजेपी सीट काट रही है। बीजेपी सीट काट देगी? अच्छा अनुकूल काट देगी। काम कर रखे तो बता दे रहे काम है के काम कर दिए किसी तक खुश हो रही है यही काम कर रखे हमारे लिए तो। अच्छा बहुत बढ़िया बीजेपी कर दिए नौकरी मिल गई है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा किसान के लिए बढ़िया काम कर दिया? किसान के लिए भी बढ़िया काम। हाँ जी बस बता दिया तारा के कहना है तारा भी यही बात है। हाँ जी तारी बताओ। हाँ जी ये कर रहे बीजेपी बीजेपी सही कहे गए बिल्कुल। अच्छा कभी झूठ बोल दे हो? ना जी झूठ नहीं बोल दे जी। अच्छा बढ़िया काम कर दिए? बहुत बढ़िया जी। तो तुम बताओ के कर दिए? तो बता दिए हाईवे हुए सेंटर सरकार के काम, राज्य सरकार के काम बताओ। राज्य सरकार के एक तो जी बिना करछी बिना पर्ची की नौकरी। अच्छा जी मैं नौकरी लग गए खुशी था इस बात है बिल्कुल। कांग्रेस में लग गए कर देगा पहला? ना ना गरीब घर के जमा गरीब घर के लग रहे हैं जी। अच्छा भाई बिना पर्ची खर्ची लग गए बात बन गई है? हाँ जमा बात बन रही है। केरा कांग्रेस आते कहंदे फिर नौकरियां बेली पड़ी खाली पड़ी पद भरने को लग रहे बात बारे तो भरन लग रहे हैं जी। अब बिना या कैसे भर गए जी पद? ग्रुप डी के अभी अभी रेलवे के निकाल रखी है भर्ती। मैं कहने का मतलब ठीक है तुम खुश हो पूरी तरह? बिल्कुल हम तो जी इसकी नीतियां से बिल्कुल खुश हैं। चलो तलाल कई बात करना तो सुरजेवाला के भी टक्कर देवे कौन देवे? टक्कर लीलाराम आगे है जी सुरजेवाला से। अच्छा फिलहाल आगे है। हां जी ठीक है। तो दीप गढ़ पाड़ोगे तुम सुरजेवाला का? बिल्कुल पाड़ांगे जी। आप तारी बताओ पाड़ोगे के गड्ढे सुरजेवाला का? हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुम पुरानी चरण देखते हो कांग्रेस सरकार राज करके गई था? राज देखा हुआ? नहीं मानना राज देखा हुआ, जितने काम इस सरकार ना करे कुछ नहीं करे। इतने 60 साल में कौन है जितने 10 साल में कर दिया? बात होगी इतना बढ़िया काम करे तमा दादी तो पहला की होगी तारी उम्र है बिल्कुल। मतलब हरियाणा वोट गिर दिया कौन जी इस भर की तो सरकार हो कौन ही नौकरी लागना माना के चाहिए। पहला कड़ा चुग गए थे 2014 था पहला? 2014 था पहला? पहले तो फिर हम न्यूज चूक रहे दिला ले या सरकार दूसरी दिला ले उसका क्या करते हम? अच्छा तो सरकारों नहीं आवा थी ये भी सरकार तो आई थी जो दूसरा काम मो नहीं करे ना काम करे इसका गिल्ला लाग लिए पीछे बढ़िया कहीं किसान खुश है पूरे पीछे पूरे जमान खुश सारा के जमीन पर तो बहुत बढ़िया खुश है। तो देख सकते हैं भाई किसान साथी काफी खुश है। यहाँ पर कुछ और साथी आए हुए हैं इनसे बातचीत करूंगा। राम राम जी। अरे और सुनाओ मोटरसाइकिल तेल तल पानी सही बढ़िया है? सही है चलता रहा भगवान। अगर भाजपा में चल रहा है कांग्रेस में चल रहा है? बस जड़ा कह देंगे उठी चला देंगे अपन। नुको कर कह देंगे और किस तरह कहवा है नु कहने दे वोट दे दोगे किन काम में वोट होए करा है भाई? बीजेपी ज्यादा चल रही है तो सुरजेवाला बाकी बेरन लागदा कि इसका केड़ा चल रहा केड़ा। अच्छा हां सब गोलमाल हो गया तारी साहब तो गोलमाल हो गया तो इलेक्शन का ऐसा ही होगा ही। पेट्रोल पेट्रोल लोग कई उनका पेट्रोल महंगा कर दिया सरकार ने। चलो जी करो भाई साहब नहीं बोलना चाहेंगे यहाँ पे
कुछ बुजुर्ग साथी और मौजूद है, तारी जोर सुना दो। अरे मैंने पर मैं पर कुछ सुनाना ना, मैं तो जीत रहा हूं। अच्छा तो देख सकते हैं भाई, बोलोगे तो देख सकते हैं भाई, ये जो है केथल विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने क्या विचार रखे, एक तरह से सरकार के कार्यों से खुश नजर आ रहे हैं। अगर माहौल देखा जाए तो यहाँ पर माहौल इस बार टक्कर का रहने वाला है। देखते हैं कि आखिर चुनावी रिजल्ट क्या रहेगा। बने रहिएगा एचबीएन 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।